हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आ जाएं जल्दी जल्दी से। नमस्ते जी, नमस्ते। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? आते रहे, वैसे तो बच्चे नहीं हैं, बड़े ही हैं, पर वो हैबिट है कहने की। आ जाओ जल्दी से एक बार। आदर है। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, कल वाली जो क्लास हमारी हुई थी वो सब हो गया था आपका? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को? बताए, कल में कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, किसी भी तरह का? ऑल क्लियर था? उपसर्ग प्रत्यय आपका, लिंग वचन कारक, सब अभी तक ऑल क्लियर? आज हम यहाँ पर समास पढ़ने वाले हैं। समास से क्वेश्चन आता है बेटा? हाँ, मेरे लिए तो बच्चे ये वो ये ना आदत बन गई है ना बोलने की, तो इसलिए। चलिए आ जाओ एक बार सब फटाफट से। और अच्छा, 8 साल का गैप करके पढ़ाई शुरू कर रहे हो आप? ओ, तो आपका एमए कब हुआ था हिमलता जी? एमए कब किया था आपने? अगर 8 साल पीछे की बात करते हैं तो बहुत टाइम हो गया आपका। चल आ जाओ जल्दी जल्दी से। आज तो एक ही टॉपिक पर बात करेंगे हम यहाँ पर, समाज पर, आराम से चीजों को समझेंगे। दो हजार सोलह में? ओके, तो ओके 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 ओके। आते रहे सभी स्पीड के साथ में, स्टार्ट करें। जो भी नहीं आए वो बाद में आराम से जुट जाएंगे, तब तक हम शुरू करते हैं। इसके बाद में एक या दो ही क्लास है हमारी जो इससे रिलेटेड रहेगी, हिंदी भाषा और उसके विकास से, और जो बाकी की चीजें होंगी फिर वो हम उसके बाद में करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम यहाँ पर समास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले में हमने उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन और कारक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इन सबको आराम से एक एक करके समझने की कोशिश की थी। आज हम यहाँ पर समास को पढ़ने वाले हैं, और समास में हमारे कितने भेद होते हैं, क्या होता है, उन सब चीजों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चले तो सबसे पहले मैं आपसे एक शब्द पूछूंगी, बस आप मुझे उस शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है, मतलब शब्द का सीधा सीधा अर्थ, घुमा फिरा कर नहीं या परिभाषा के तौर पर नहीं, सीधा अर्थ आपको बताना है। तो ये जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिलेबस की पीडीएफ आपको चाहिए? मैं एक काम करूंगी ना, एक सिलेबस, अगर हमारा कोई छोटा सा टॉपिक होगा तो बाद में मैं सिलेबस अपनी पीपीटी में लगाकर आपको दे दूंगी, तो वो आपके पास में चला जाएगा। लास्ट में लगा देंगे तो वो आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है बेटा, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए होंगे तो मैं वहां पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बताओ। चल, समास का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, देखते कितने बच्चे हैं जो बताते हैं, बताइएगा, बताते रहे। फटाफट से हाँ बोलो बोलो जल्दी से, क्या होता है भाई, बताओ जी। नहीं पता? शाब्दिक अर्थ का अर्थ समझते हो क्या होता है? संक्षेप,
जो शब्द का डायरेक्ट अर्थ निकलता है, जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या नाम, जो उसका डायरेक्ट अर्थ निकलता है सीधा सीधा सा। जैसे नाउन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा। आपको ये पता होना चाहिए कि शाब्दिक का मतलब क्या था। शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता क्या है, ये किसको कहते हैं, ये उसका शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में ना हमें सोचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजों से आपको बहुत जगह, हाँ, संक्षिप्त, संक्षेप, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। हमें ना इन शब्दों के अर्थ भी पता होने जरूरी है, अब भी आपको काम आएंगे, आगे भी जब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसी चीजों से अब निकलना पड़ेगा। हर शब्द के अर्थ की तरफ ध्यान देने की कोशिश किया करो कि इसका मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि आप साहित्य वाले हैं और साहित्य वाले के लिए हर शब्द का अर्थ होना जरूरी है, बिना अर्थ के कोई शब्द ही नहीं है। भावनाओं को भी शब्दों में लेकर आएंगे वो, कविताओं में लेकर आते हैं ना हम, तो कविताओं में लेकर आते अपने आप को, अपने शब्दों को, हम जितनी भी चीजें होती सबको शब्दों के माध्यम से बताते हैं। तो हर चीज का अर्थ आपके पास में आना चाहिए, हर शब्द का। नहीं अर्थ पता है, टुकड़ा तोड़ो, टुकड़ा करो उसका, कैसे भी करो, लेकिन अर्थ को ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक अर्थ नहीं मिलेगा तब तक आप उसकी तह तक नहीं जा पाओगे, उसकी गहराई में नहीं जा पाओगे। तो शाब्दिक अर्थ किसका क्या होता है? संक्षेप। इसका समास क्या होता है? दो शब्दों या दो पदों का मेल समास कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो समास क्या होता है? दो शब्दों या शब्दों की जगह हम पद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दो पदों का मेल समास कहलाता है। दो शब्दों या दो पदों का मेल समास कहलाता है। ठीक है, किसका बेटा? हाँ, विशेष अर्थ बताने वाला। इसको हम कहेंगे संक्षिप्त रूप, मतलब छोटा रूप, शब्द का बड़े रूप का छोटा रूप जब हम लेकर आते हैं वो समास कहलाता है। तो जो दो शब्दों से मिलकर बने, या दो पद, शब्द और पद का मतलब एक ही होता है, शब्द और पद का मतलब एक ही होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हमने बात की दो शब्दों का मेल, तो मतलब दो शब्द होंगे, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद, या इसको कह सकते हैं, प्रथम को कह सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद का और पूर्व मतलब पहला। इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको हम कहते हैं समास। इसी को ही एक दूसरा नाम है इसका ही, इसको हम कहते हैं समस्त पद, और इसको ही कहते हैं सामासिक पद, जो उसका एक नया पद बनकर निकलता है, ये उसका अर्थ होता है। जो हमारा समास है, इस समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6 मुख्य भेद होते हैं। आप साथ साथ में मेरे बोलते भी रहा करो, जिससे मतलब मुझे भी लगता रहता है कि हाँ, आपको भी चीजें समझ में आ रही है। एक सेकेंड रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, अगर मिल जाता है तो। अभी आपको कुछ चीजें दिखाएंगे हम। यहां तक समझ में आ गई बात? अभी मिल नहीं रहा है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी, फिर वहां से आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपको एक ही चीज पर फोकस नहीं करना है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, तब कहीं जाकर चीजें हमारी कवर होंगी। जैसे ही मिलेगा मैं आपको उसको एक बार भेजती हूँ, उसको देखिएगा आप एक बार। वैसे तो बहुत सारे हैं आपके पास में, चलो चलो, जब बाद में मिलेगा तब बात करेंगे उस पर।
अभी नहीं मिला, अभी तो सिर्फ आपका एक ही चीज मिली है। आपने देखा है कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक देखी है आपने? कामता प्रसाद गुरु देखी है आपने? नहीं देखी ना? देखो कितनी छोटी सी किताब है इनकी, ये कामता प्रसाद गुरु जी का हिंदी व्याकरण है। तो इतने छोटा सा व्याकरण थोड़ा ही है हमारा, इतना छोटा सा तो नहीं है ना, बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो है ना, कामता प्रसाद गुरु जी के आधार पर है। तो क्या कौन सी चीज किसने क्या माना है, क्या नहीं माना है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत इन्होंने दी हुई है। देखो एक छोटी सी पतली सी बुक में ही बहुत सारी किताबें, मतलब मुझे आपको सारी किताबें दिखानी है वैसे ही, जिन किताबों से मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको पता होना चाहिए कि किन किताबों से हम पढ़ते हैं, कौन सी चीजें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो अगर आपके पता होगा कि हमारे पास में ऑथेंटिक चीज आ रही है, तो आपका और ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में। हमारा मन तभी तो लगता है ना जब हमें पता भी होता है कि चीजें हमारे पास में जो आ रही है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें वैसे मेरी साइड से जितना भी जाएगा सब एकदम जबरदस्त सी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए तो अब इस पर आते हैं। इसके अंदर भी आपका समास दिया हुआ है, अगर आप समास की बात करोगे बेटा, इसके अंदर भी समास दिया हुआ है आपका। हाँ, इसमें भी आपका पूरा समास दिया हुआ है शब्द रचना के अंतर्गत, सब चीजें आपके पास में यहाँ है। देखो ये रहा, अच्छे से दिखाऊं? देखो अब दिखा लो, और देखो नजदीक से, अब तो दिख गया होगा, नाम दिख गया होगा। अच्छा नहीं, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो बुक दिखती कैसी है। मान लो आप कामता प्रसाद गुरु का शब्द सुने कि हिंदी व्याकरण है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी मोटी है कितनी पतली है? तो आप कम से कम पहचान तो पाओगे उसको कि हाँ हमने देखी है किताब को, ये हिंदी व्याकरण है इनका, कामता प्रसाद गुरु जी का। आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास में सब चीजें, मैं अपने आप से आपको कराऊंगी सारी चीजें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो टेंशन मेरी है। चलिए समास में हमारा कौन कौन सा है भाई? हमारे कितने समास होते हैं? छह भेद होते हैं समास के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये छह हमारे भेद होते हैं, छह मुख्य भेद होते हैं आपके समास के, जिसमें हमें इन छह के छह को समझना है आज। हर किसी में दो दो, भाई हमारे दो पद हैं, हमने यही बात तो कही ना, दो पदों से मिलकर बनता है। तो जब दो पदों से मिलकर बनता है तो हर किसी में दो दो पद होंगे, लेकिन किसी के दोनों पद प्रधान है, प्रधान मतलब होता है मुख्य। किसी का एक पद मुख्य है पहला, किसी का दूसरा पद मुख्य है, और किसी के दोनों मुख्य है, किसमें क्या जाएगा इसको एक बार आप यहां से याद रखना, कौन किसके साथ में यहां पर जाएगा। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन दोनों का उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, और बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। तो ये मेन चीज है, इसको आपको याद रखना है। यहां से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आ ही जाए, कभी कभी होता है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, बस एक कोई भाषा विज्ञान से एक या दो कभी भी दे देंगे, हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना भी दे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीजें पढ़नी जरूर पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन सबको हम समझते जाएंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। जहाँ वैसे आसान है, आपके लिए ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, पर क्योंकि साहित्य वाले बच्चे व्याकरण थोड़ा कम पढ़ते हैं तो इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय, मैंने कहा ना शब्द के अर्थ को समझना है। अव्यय मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो हमें यहां पर समझना है कि अव्यय भाव समास क्या होता है। जिस समास का
पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिन पर लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आ, यथा, भर, प्रति आदि। अब इसकी पहचान कैसे करोगे कि इसमें कौन सा समास है? ऐसे शब्दों में आपको अगर पता हो जाए चलेगा तो ऐसे शब्दों में ये वाले शब्द जरूर पहले जुड़े हुए होंगे। कैसे? अच्छा, आ से कोई शब्द बनाओ, जो आ से बने, यथा से, भर से, प्रति से, इन्हें उपसर्ग की तरह प्रयोग करो। ये उपसर्ग की तरह ही प्रयोग हो, अव्यय भाव समास में ये जो मैंने अभी आपको शब्द लिखे सब उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। शब्द बनाओ, चलो उपसर्ग लगा के बनाओ, ये यही वाले उपसर्ग लगाने, आ, यथा, भर और प्रति। ठीक है, आप इनको लगाकर देखो एक बार। आ से क्या बनेगा? आ से आजन, यथा से यथासंभव, भर से भर पेट, प्रति से प्रतिदिन। हाँ जी बिल्कुल, यथाशक्ति, यथासंभव, जो इन शब्दों से बनते हैं, आजीवन, गुड। तो ये सभी हमारे कैसे होते हैं? अव्यय भाव समास होते, जिनमें ये वाले शब्द हमारे जुड़ते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं? अव्यय भाव समास के अंतर्गत जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया जी? क्लियर समझ में आ जाएगा? जिनके सामने ऐसे शब्द जुड़कर आएंगे उनसे समझ जाइएगा कि हमारा अव्यय भाव समास में यहाँ पर है। अगर समास से कोई भूल भूल भाल से एक क्वेश्चन दे दे तो। उसके बाद है नंबर दो आपका तत्पुरुष समास। अब किसे समझेंगे? तत्पुरुष समास को। अब इसको ध्यान से पहले समझ लो। इसने कहा जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, यहां पर एक लाइन और ऐड करना, तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा कारक चिन्ह का लोप हो, इसमें क्या होगा भाई? कारक चिन्ह का लोप होगा, मतलब कारक चिन्ह, लोप का मतलब समझते हो ना? अव्यय का एग्जाम्पल, अव्यय के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे तथा। तथा पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। और है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर का कोई फर्क पड़ेगा? इधर का ना इधर ही होता ना इधरा होता, इधर उधर, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब अव्यय शब्द होते हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्त्रीलिंग के साथ में, पुल्लिंग के साथ में, सेम के सेम रहते हैं। इन पर कोई ना स्त्रीलिंग से प्रभाव पड़ता ना उससे पड़ता। तो इन्होंने कहा है कि तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो। कितने कारक होते हैं हमारे? मैंने आपको बताया था ना कितने कारक होते हैं, कितने कारक थे? कलम ने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कारक संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की
अधिकरण में पर संबोधन है ओ, अरे 8 होते हैं ना, 7 नहीं 8। ये हमारे, मैंने आपको कारक बताया था, इसने कहा कारक चिन्ह का लोप होगा, लोप मतलब छिपा हुआ होगा, तो इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर, ठीक है, कारक विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होगा बस। कौन कौन से नहीं होगा? सबसे पहला नहीं होगा, सबसे बाद का नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही शब्दों के बीच में नहीं लगते, शब्द के अंत में लगते हैं, ये कभी भी किसी भी शब्द के मध्य में प्रयोग नहीं होगा। तो पहले को छोड़कर तो हमारे कौन कौन से तत्पुरुष समास बनेंगे? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये हमारे तत्पुरुष समास बन जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म तत्पुरुष समास की। इसमें क्या होगा? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, मतलब अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो इसके बीच में से को शब्द निकलेगा तोड़ते हुए। अब जैसे हमने कहा गगन चुंबी, बताओ गगन चुंबी में को है क्या? गगन को चूमने वाली को है। अब आप बनाओ इसका, बताओ रथ चालक, बताइएगा जेब कतरा, चलो एक और बताओ, तोड़ो शब्द, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीजें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है एक दो चीजों पर, साहित्य में आपको बिल्कुल अच्छा अच्छा सा फील होगा, इसमें थोड़ा सा लगेगा कि क्या ही है ये। गुड, रथ को चलाने वाला, बिल्कुल, जेब को रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब को काटने वाला, गगन को चूमने वाला, तो को है यहाँ पर, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा कौन सा है तत्पुरुष समास में? कर्म तत्पुरुष समास, जिन शब्दों के मध्य में आपका कारक चिन्ह छिपा होता है वो हमारा किस में जाता है? तत्पुरुष समास में जाता है। दूसरा करण तत्पुरुष समास, दूसरा कौन सा है? करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप होता है। अब इसमें से का यूज होगा, लेकिन ये से क्या करेगा? मिलाने का काम करेगा, अलग करने का नहीं, अलग होगा तो अपादान हो जाएगा। ये किसकी बात करता है? मिलाने के भाव की। जैसे चलो आप टुकड़ा करना, आप देखो कि क्या बनता है इससे, शब्द आप मुझे करके बताओ, करुणापूर्ण, बताओ भावपूर्ण, सूर रचित, बनाओ जल्दी से, अब इसमें बनाओ, हाँ करुणा से पूर्ण और भाव से भरा हुआ, भाव से पूर्ण, तो ये मिलाने का भाव करेगा तो ये हो जाएगा करुणा से पूर्ण, ये हो जाएगा भाव से पूर्ण, यहां पे भी से, यहां पर भी से, सूररचित, सूरदास के द्वारा रचित, तो यहां पर आ जाएगा के द्वारा। यहां तक बात क्लियर हो गई? सूरदास के द्वारा रचित, क्लियर? डन? हाँ जी बिल्कुल राइट, यहां तक हो गया। आगे चले नेक्स्ट पर, अगला है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है आपका?
संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। किसका लोप होता है? के लिए का लोप होता है। यहां पर के लिए छिपा होगा। अगर हम शब्द का टुकड़ा करेंगे तो के लिए हमारा यहां पर हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। गौशाला, प्रयोगशाला, विद्यालय, रसोई घर, बताओ अब बताना इसमें। अब टुकड़ा करके देखो क्या आएगा। वेरी गुड। गाय के लिए शाला तो गौशाला, प्रयोग के लिए शाला तो प्रयोगशाला, विद्या के लिए आलय तो विद्यालय, रसोई के लिए घर रसोई घर। तो इन सब में क्या हो जाएगा? के लिए, जिसमें के लिए शब्द का प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। एक दो बार मैं आपको क्लास, एक क्लास करवा दूंगी यूट्यूब वाली आपको इस तरह की, जिसमें मैं पूरा हम इस तरह के क्वेश्चंस करा देंगे। एक क्लास इनफ है हमारे लिए। नेक्स्ट, अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, अब इसमें भी से है लेकिन जैसे वो उसको मिलाने के भाव में था, ये अलग करने के भाव में, से अलग होने के भाव का लोप होता है। अब यहां पर जो से होगा वो उस चीज को उस चीज से अलग कर रहा होगा। अब देखना कैसे। हमने लिखा बुद्धिहीन, बताओ क्या हो जाएगा? धनहीन, गुणहीन, ये अलग करेगा इसको, एक को दूसरे से अलग। बुद्धि से हीन, अब वहां पर क्या था? करुणा से पूर्ण, वो करुणा से भरा हुआ था, ये इससे अलग हो रहा है। तो बुद्धि से हीन जहां पर अलग होने का भाव होगा वहां क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। बुद्धि से हीन, धन से हीन, गुण से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से हीन, पथ से भ्रष्ट, तो यहां पर इसको ये अलग कर रहा है जी, रहित कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट, वो सहित में होगा, ये रहित में होगा। हाँ, रोग मुक्त भी हो जाएगा, रोग से मुक्त हो गया है ना, बिल्कुल हो जाएगा रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त हो गया है, अलग हो गया है, अलग होने का भाव होगा तो इसी में हो जाएगा। जहां भी अलग होने का भाव होगा वो हमारा अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े नेक्स्ट पर। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास में। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। अब इसमें भी लोप है, छिपा हुआ है, लेकिन का, की, के का लोप छिपा हुआ है। तो इसमें अगर हम इसका टुकड़ा करेंगे तो मैं का, की, के आदि शब्द हमें वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे राजपुत्र, या आप लिखो राजमाता, लिखो राजमहल, लिखिए शिवालय, राम मंदिर,
बनाते रहो। गुड। राजमाता राजा की माता, राजमहल राजा का महल, शिवालय शिव का आलय, राम मंदिर राम का मंदिर। जी राइट। देशभक्त, वो तो बड़ा देशभक्त आदमी है, मतलब देश का भक्त। तो यहां सब में क्या आएगा, का की के का लोप यहां पर होता है। समझ में आ गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई आपको सारी चीजें। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है हमारा यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला कौन सा है, अधिकरण विद्या, वो विद्या के लिए आले है, वो पढ़ने के लिए है, वो सिर्फ शिव का है, शिव के लिए नहीं, वो पढ़ने के लिए और शिव का। इसमें अधिकरण की विभक्ति में और पर का लोप होता है, में का और पर का लोप होता है। मैं आपको शब्द दूंगी, आप तोड़कर देखो। शब्द है आपका यहां पर लोकप्रिय, बनाओ। गृह प्रवेश बनाओ। आप बीती बनाओ। बनाते रहो। गुड। बड़े लोकप्रिय नेता है, मतलब पूरे लोक में प्रिय है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय, घर में प्रवेश, अपने पर आप, अपने पर बीती, तो में पर आदि। हमारे किस में जाते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास में जाते हैं। हो गया। गुड। हाँ जी, मतलब अपने आप पर गुजरी, आप मतलब स्वयं होता है खुद, ये निज भाषा, निज में आता है ना, निज, ये निज की बात करता है, निजता के। तो ये हो गया यहां से अधिकरण वाला। अब चलते हैं इससे आगे, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, अगला इसका तीसरा नियम, समास का तीसरा नियम है कर्मधारय समास, तीसरा समास। पहले समझो इसको। इसने कहा जिस समस्त पद का उत्तर पद, उत्तर मतलब क्या होता है बेटा, बाद का, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। अब दोनों में कैसा संबंध है, उपमान उपमेय का और विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसने कहा कि दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। हाँ, को कौन सा समास है, हाँ कौन सा तत्पुरुष समास है, ये पता चलेगा बेटा प्रैक्टिस से। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो वहां से आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। अभी तो खैर हमने भी शुरुआत ही की है, एक पूरी यूनिट खत्म हो जाने दो। मैं देखती हूँ हर यूनिट के बाद एक हम वो लगवा लेंगे अपना एक प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेशन एक लगेगा, हर यूनिट का एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी चीजों की ना क्लियरिटी हो जाएगी कि किसी चीज से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और या अगर हमें ऐसी चीजों को पहचानना हो तो कैसे हम पहचान सकते हैं।
इस पर बात करती हूँ एक बार। तो विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय, तो ये हम इनके बीच में ये वाला संबंध होगा। और जहां शब्द ऐसे होंगे वहां हमारा कर्मधारय समास में चला जाएगा। अब देखो विशेषण विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताएं, और विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, इसकी परिभाषा होगी। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। जो शब्द विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये होता है। अब जैसे मैंने कहा नील कमल, नील कमल, अब बताओ इसमें कौन विशेषण है कौन विशेष्य है, मैंने किसकी विशेषता बताई है भाई। यहां पर मान लो मेरे पास में दो कमल है, एक नील कमल है और एक कैसा है, श्वेत कमल है। एक श्वेत कमल है, एक नील कमल है, एक श्वेत कमल है, तो इनमें किसे कौन कौन है। हाँ जी गुड, तो नील क्या है, विशेषण, विशेषण है। श्वेत क्या है, विशेषण। कमल क्या है, विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं, कमल की, तो कमल हो जाएगा विशेष्य, और विशेषण है नील और श्वेत। ऐसे ही उपमान और उपमेय में, उपमान होता है जिससे तुलना करते हैं। कलगी बाजरे की तो पढ़ी है आपने, अज्ञेय की पढ़ी या नहीं पढ़ी है, वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको। कलगी बाजरे की पढ़िए, कलगी बाजरे की में उपमान ही तो है, सब उपमान अब मैले हो गए हैं, है ना, यही तो है। जिस तरह बार बार घिसने से, जिस तरह बार बार बर्तन घिसने से उसका मुलम्मा छूट जाता है, उसी प्रकार सब उपमान मैले हो गए। वो उनसे तुलना करता है अपनी प्रेमिका की, वो कहता है मैं इनसे तुलना करूंगा ही नहीं, ना मैं चांद से करूंगा, ना सूरज से करूंगा, किसी चीज से नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें क्या कहता हूं, छरहरी कलगी बाजरे की। इसीलिए उसकी वो तुलना किससे करता है, बाजरे की कलगी से, जो ऊपर कलगी सी लगी रहती है पतली सी, उससे वो उसकी कल उसकी उससे उसकी तुलना कर देता है। तो वहां पर उपमान की बात हुई है, उपमान मैले हो गए थे ना, जिससे हम किसी की तुलना कर रहे थे वो मैले हो गए थे। तो जहां पर उपमान और उपमेय का संबंध होता है वो हमारा क्या होता है, वो भी हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे मृग नयन, जैसे मृग नयन, जैसे चरण कमल, जैसे राजीव नयन, तो आंखों की तुलना किससे हो गई, चरणों की तुलना किससे हो गई, कमल से हो गई है ना। यहां पर आंखों की तुलना किससे हो गई, हिरन से हो गई है। आंखें कैसी हैं, आंखें ऐसी हैं जैसी जैसी हिरन हो, तो हिरण से तुलना हो रही है। ये यहाँ पर विशेषण विशेष्य, और ये हो गया उपमान और उपमेय। तो किसकी तुलना करी हमने, आंखों की, आंखें हैं उपमेय और मृग है उपमान, चरण है उपमेय और कमल है उपमान। तो जहां पर उपमेय उपमेय की, उपमान की, या फिर हम विशेषण विशेष्य की तुलना करते हैं, वह हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, अब तो कोई समस्या नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास कहाँ होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से मुझे, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है।
हाँ हिरनी सी आंखें है ना, गुड। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वन, गुड। नेक्स्ट, अगला है आपका द्विगु समास। द्वि द्वि मतलब दो, और दो क्या होती है, संख्या। तो इसकी सबसे बढ़िया पहचान है, एक तो संख्या होगी पहले वाली, और संख्या के साथ में किसी ग्रुप की बात कर रहे होंगे। एक किसी एक का नाम नहीं होगा, वो एक समूह में होगा, वो समूह में जरूर रहेगा। तो द्विगु समास में जिस समस्त पद का पूर्व पद, मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान, समाहार का मतलब भी समूह होता है, ग्रुप की बात करें, जहां पर हम ग्रुप की, पहला संख्या वाली, संख्या की भी बात करेगा और समूह की भी बात करेगा। जैसे मैं, जैसे मैंने कहा नवरात्र, नवरात्र, नव मतलब नौ, नौ मतलब तो नौ हो गया ना, नौ रात। तो नौ रात क्या किसी एक रात को कहा जाता है, नहीं कहा जाता ना, तो वो तो एक ग्रुप है पूरा। नौ रात्रों में नौ नौ नवरात्रे होंगे, जिनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां होगा, और उससे हमें पता चलेगा कि भाई नौ है। बिल्कुल जैसे नवग्रह, एक ग्रह को नवग्रह नहीं कहा जाता, सब अलग अलग ही है नवग्रह। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह हो गया। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जैसे पंचवटी, 5 वटियों का समूह। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो इसमें ग्रुप की बात होती है। जैसे तिराहा, चौराहा, दशानन नहीं, दशानन समूह की बात नहीं करता, दशानन किसी एक की बात करता है। दोनों मिलकर रावण की बात करते हैं, एक की बात नहीं कर रहा है। अगर एक की बात करता तो हो जाता, मतलब एक की बात नहीं करता तो नहीं हो जाता। अब जैसे यहाँ पर हमने सप्ताह की बात की, सप्ताह का मतलब मंडे नहीं है या ट्यूसडे नहीं है, सारे दिनों को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। तो ये समूह की बात करता है, ये समूह को दर्शाता है, वो किसी एक को दर्शा रहा है। हाँ, त्रिलोकी, त्रिलोक, त्रिलोक चला जाएगा बिल्कुल इसमें, 3 लोक है ना, तो त्रिलोक वो भी आपका इसी में आ जाएगा। त्रिदेव, 3 देव, कौन कौन है त्रिदेव में, कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उनका जो 3 का ग्रुप है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, हम त्रिदेव कहते हैं। अब चलते हैं इससे आगे, नेक्स्ट वो है आपका द्वंद्व समास। ये है आपका द्वंद्व समास, इसमें हमारे वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। जब इसका हम टुकड़ा करते हैं तो और, तथा, अथवा आदि में शब्द आते हैं। तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान और विग्रह करने पर और, अथवा, या एवं लगता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब लड़ाई होता है ना बेटा। हाँ, पंचदेव में भी 5 ही आ जाएगा, वॉइस तो सही है, क्लियर है बेटा, वॉइस एकदम से आपकी, वॉइस में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, इधर उधर, इधर और उधर। हाँ, लोटा डोरी भी कह सकते हो, लोटा और डोरी बिल्कुल बोल सकते हैं, मतलब दोनों को जब टुकड़ा करोगे तो और आएगा, सत्य असत्य, सत्य और असत्य, सच झूठ, सच और झूठ, तो दोनों में आप टुकड़ा करके रखोगे तो सबके बीच में आपका और यहाँ पर जरूर आएगा, और, तथा, अथवा, या आदि शब्द वहां पर आएंगे, आज और कल, सीता और राम, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत भी होंगे, और जब टुकड़ा करेंगे तो और, तथा, अथवा, या आदि शब्द वहां पर आपको मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब बस एक और भेद रहा है हमारा, फिर हम उसको करते हैं। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर? हाँ, अपना पराया भी इसी में आएगा।
हाँ जी हो गया जी। अमीर गरीब ये सब इसी में आएंगे। अब आते हैं सबसे लास्ट पर। माता तथा पिता, इधर तथा उधर, अमीर तथा गरीब, अमीर और गरीब, अमीर या गरीब। तो तथा भी कह सकते हो, कोई भी कुछ और भी लगा सकते हो, या भी लगा सकते हो, तथा भी लगा सकते हो। तो होता आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको तोड़कर टुकड़े को क्या लगाना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलेंगे और किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे तो उसे बहुव्रीहि कहेंगे। जैसे आपने एक शब्द मुझे दिया दशानन, मतलब 10 आनन। 10 का मतलब तो 10 है, आनन का मतलब मुख है, तो क्या इसका मतलब 10 मुंह है? दशानन का मतलब क्या है बताओ, क्या होता है? जैसे त्रिनेत्र, तो त्रि का मतलब तो 3 है और नेत्र का मतलब आंखें हैं, तो क्या इसका मतलब 3 आंखें हैं? किसकी ओर इशारा करता है त्रिनेत्र, मतलब क्या है बताओ? हाँ जी बताओ, बड़ा वेरी गुड वेरी गुड। जैसे एक दंत, क्या एक और दांत की बात हो रही है? नहीं हो रही ना, किसकी? गुड, हाँ जी दशानन किसकी बात करता है? रावण की। इसका मतलब है रावण। तो दो शब्द मिलते हैं और तीसरे की बात करते हैं, वहां पर क्या हो जाता है आपका? बहुव्रीहि समास हो जाता है। त्रिनेत्र किसकी बात करता है? शिव की। एक दंत गणेश की। तो जहां पर दो शब्द मिले और किसी तीसरे की बात करे वहां क्या हो जाता है आपका? वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये जो पूरा अभी तक हमने पढ़ा है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, होमवर्क में क्या करोगे आप सब? एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे सब बच्चे। तो यहाँ जो हमारा आज का था, आज हमने किस किस की? हाँ चतुर्भुज, बिल्कुल कमल नयन, हाँ विष्णु जी के लिए अगर हम प्रयोग करते तो विष्णु जी का बात हो रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आज आज हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास पढ़ा, हमने यहां पर तत्पुरुष समास पढ़ा, कर्मधारय पढ़ा, द्विगु पढ़ा, द्वंद्व पढ़ा और बहुव्रीहि पढ़ा। यहां तक सब क्लियर हो गया आप सबका? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है ना? हो गया? ओके चलिए, तो फिर आज के सेशन को बेटा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हम फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। कल के लिए फिर तैयार रहिएगा एक नए टॉपिक के साथ में, और जितना अभी तक हमने पढ़ा है कोशिश कर लीजिएगा कि एक बार आप सब उसको दोबारा से खुद से भी पढ़कर देख ले। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहा करेगा इस वाली क्लास का, तो सैटरडे संडे में आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है उन सब का रिवीजन हम करेंगे। ये एक तरीका होता है अपनी तैयारी को बेस्ट करने का। देखो हमारे पास में यही है एक तरीका, या तो हम डेली डेली ऐसे बांट ले कि हम डेली डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तो तैयारी हो जाएगी। एक दिन से अच्छा है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, हो जाएगा। आपको पता है मतलब मेरी गर्दन में आज भी दर्द है, और ये दर्द मेरा नेट की तैयारी करने में ही हुआ था। जब उस टाइम पे मैं एमए के थर्ड सेमेस्टर में थी, जिस टाइम पर मैंने पहली बार एग्जाम देने गई थी और मेरा फर्स्ट टाइम में भी हो गया था, तो मैं ऐसा करती थी पूरी पूरी रात पढ़ती थी, टाइम कम था, पूरी पूरी रात पढ़ती थी। सुबह के 3 बजे, 3 साढ़े 3 के बीच की बात है ये,
मुझे एकदम से ऐसे नींद आई, अचानक से ऐसी नींद आई कि मेरे झटका ऐसा लगा गर्दन के अंदर कि मेरी गर्दन ही सीधी नहीं हुई। आप ये समझिए, 3 दिन बाद मेरा पेपर था, गर्दन मेरे से उठाई नहीं उठी, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हिला जा रहा था, गर्दन इस तरह से हो गई थी। हाथ भी लाती थी तो गर्दन में दर्द होता था। पढ़ाई तो छोड़ ही दो कि पढ़ाई भी हो रखी होगी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए 3, तब मेरी गर्दन सही हुई और तब जाकर मैं पेपर दे के आई। तो इतनी दिक्कतें होती हैं एंड टाइम पर, आपके साथ में बहुत समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, तो हमें उनसे कैसे बाहर निकलना है इस चीज पर भी देखना होगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो। मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं कॉलेज से पढ़ी थी अपने। आप ये समझिए कि मैं 1.5 साल लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं निकली हूं, 1.5 साल मैं अपने कॉलेज जाती थी। आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो डेली कॉलेज गए होंगे, बहुत कम, एक या दो भी अगर मुश्किल से मिल जाए मुझे यहाँ पर। मेरा डेली का था, मैं डेली कॉलेज जाती थी मंडे टू सैटरडे। क्लास लग रही है या नहीं लग रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। क्लास लगी तो क्लास अटेंड की, क्लास अटेंड करके सीधा पहुंच गई लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की कोई बुक ऐसी नहीं थी जो मैंने ना पढ़ी हो। मैंने लाइब्रेरी से चीजों को पढ़ा। मेरे पास में आज भी इतनी सारी किताबें, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी पूरी अलमीरा किताबों से भरी पड़ी है। तो मैंने किताबों से पढ़ा और उसमें मेरा साथ दिया मेरे प्रोफेसर्स ने। जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पढ़ने में। मुझे कुछ समझ, जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आता आप मेरे पास आओगे कि मैम इसका अर्थ बता दो। मैं कहाँ जाती थी, अपने प्रोफेसर के पास में। एक एक हफ्ते का मेरा काम सारा इकट्ठा होके रहता था। जिस दिन भी मुझे मेरे प्रोफेसर खाली मिलते थे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो मैं उनको पकड़ कर बैठ जाती थी, फिर उनसे सारी चीजों को क्लियर करती थी। शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते थे क्योंकि मैं साइंस साइड की स्टूडेंट रही हूँ। बहुत सारे शब्द ऐसे होते थे जो मुझे समझ ही नहीं आते थे कि इसका मतलब कैसे लेना है, वो मुझे उन्होंने सिखाया। हाँ जी, लाइब्रेरी, हाँ आप लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो, लेकिन लेकिन आपके पास में लाइब्रेरी की चीजों को समझाने वाला होना चाहिए। अब सिर्फ, अगर आप सिर्फ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ोगे तो भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला, हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए जो आपको समझाए। आप किताबों को घर पर पढ़ो और उसी किताब को आप मेरे से पढ़ो, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। उस किताब को 10 बार आप पढ़ लो और 1 बार मेरे से पढ़ लो। मेरा 1 बार का पढ़ाया हुआ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अपने 10 बार के पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। तो हमें गाइडेंस के लिए चाहिए व्यक्ति, चाहे वो कोई भी, वो आपका प्रोफेसर हो सकता है, वो आपके लिए आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी, A to Z कोई भी। अब जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो मेरे जो जूनियर बच्चे थे, मतलब जो मेरे जूनियर भी रहे थे, क्योंकि मेरा तुरंत सिलेक्शन हो गया था, एमए फाइनल ईयर होते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था यूजीसी में। मैं प्रोफेसर, मतलब मेरा प्रोफेसर में हो गया था। तो जब मैं उनको पढ़ाती थी, मैं उनको भी ऐसे ही पढ़ाती थी जैसे खुद पढ़ती थी, मैं आपको भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक चीजों को तोड़ तोड़ कर अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये तो अपने दिमाग में सेट कर लो, मुझे सब समझना है, सब। हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन फ्री रहो, मेरे पास में सब किताबें, मुझे पता है आपको कैसे मुझे पढ़ाना है। मैंने फर्स्ट टाइम पे ही समझ लिया था कि आपको कितनी चीजें आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती, कितना मुझे कराना है। तो आप बेचिंत होकर बस मेहनत में लगे रहो। जो जो मैं आपको पढ़ा वो आप पढ़ लेना। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको कहूंगी वो मैं आपको बताऊंगी, कहाँ से आपको देखना है आप वहां से देखिएगा, हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चले तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।